अभी इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली NCR में, यानी कि अगर बात की जाए प्रॉपर जगह की तो ये अगर जगह का ये बस्ती है कैसे ही, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस बस्ती का कोई नाम नहीं है, मैंने यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जब भी यहाँ आना हो तो आप बोल दीजिए कि हमें सेक्टर 42 जाना है, और रिक्शा वाला जब आप लेके जाएगा इधर से तो आप इधर ही उतर जाना। अगर ये सामने देखेंगे आप तो ये सेक्टर 43 है, यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ के रहने वाले जो भी लोग हैं उनका जीवन कैसा है आपके जीवन से बिल्कुल भिन्न है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आपके दैनिक दिनचर्या में उपयोग होता है, लेकिन ये सब इनकी कल्पनाओं में ही होता है, ये देखने मात्र के ही योग्य होते हैं, इनके कभी हाथों में वो चीज़ें नहीं आती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो किस तरीके से ये रह रहे हैं, बाकायदा जैसे आप देखते होंगे कहीं शहरों में या पहाड़ियों पर, जब आप शहरों से पहाड़ियों पर जाते हैं तो बाकायदा जब आप 2-4 दिन के लिए कैंप लगाते हैं और उसमें भी आप लगभग सारी सुविधाएँ जो हैं वो रहती हैं, जैसे पानी वगैरह और भी तमाम सारी चीज़ें आप कैरी करके घर से लेकर जाते हैं, वो जीवन ये हमेशा यहाँ पर जीते हैं। आप जी आधे कह रहे हैं भैया भूखे मरते हैं, आधों को खाना मिलता है। तो यहाँ पर इनकी सबकी मदद के लिए बहुत सारे ऐसे NGO चल रहे हैं, प्राइवेट NGO हैं, कोई पढ़ाने का काम करता है, कोई खाना खाने देने का काम करता है, कोई राशन देता है तो कोई कुछ देता है। यहाँ पर एक NGO है जो कि आज कंबल वितरण होगा, तो यहाँ पर जो लिस्ट है वो तैयार की जा रही है। सर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं थोड़ी देर? तो यहाँ हम बातचीत करेंगे, दरअसल में इस वक्त सर्दी का मौसम आ गया है, ठंड बढ़ती जा रही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ झुग्गियों में रहने वाले जिन्हें तकलीफ़ें होती हैं, इन तकलीफ़ों से इन्हें निजात दिलाने के लिए अगर कोई सामने निकल कर आता है तो ये वो होता है NGO। ये यहीं की बात नहीं है, अगर आप किसी भी राज्य में देखेंगे, किसी भी शहर में देखेंगे तो जितने एक्टिव आपको NGO दिख जाते हैं, अगर उतनी ही जागरूकता, उतनी ही सक्रियता अगर सरकार की तरफ से दिखाई जाए तो तस्वीरें शायद कुछ और हों। यहाँ पर एक भैया हमारे साथ हैं और इन्होंने आज यहाँ पर कंबल बांटने का फैसला किया है, एक NGO की तरफ से है, इनसे हम बातचीत करेंगे और सारी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सर पहले तो आप NGO के बारे में और अपने बारे में पूरा बताइए। मेरा नाम अंशुल भारद्वाज है और मैं ट्रस्टी हूँ स्माइल इंडिया ट्रस्ट का। अब जैसे कि आपको पता है सर्दी का मौसम आने वाला है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, कुछ लोग ऐसे इनके काम छूट चुके हैं, कुछ लोग रोज़मर्रा का काम करके अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करते हैं। अब ऐसे लोगों को हर जगह से मदद नहीं मिल पाती, तो ऐसे लोगों को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उनको जो भी मदद हो पहुंचाने का काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लगभग कितने लोग हैं ऐसे जिनको आज कंबल बांटा जाएगा? देखिए अभी जो टारगेट है हमारा वो कम से कम 100 लोगों को है सपोर्ट करने का, और हम लिस्ट बना रहे हैं अभी, तो जितने भी लोग अवेलेबल हैं उनको तो सपोर्ट मिलेगा ही, उसके बाद हम दोबारा सर्वे करेंगे, जो लोग छूट गए उनको हम फिर से सपोर्ट करने आएंगे यहाँ पर। अभी आप ये कैसे जस्टिफाई करते हैं कि इन्हें ज़्यादा ज़रूरत है और इन्हें कम, इन्हें पहले मिलना चाहिए? देखिए ऐसा है, इस क्षेत्र में हम लोग लगभग 2 साल से काम कर रहे हैं, 2 साल से जब से कोविड की शुरुआत हुई है हम यहाँ डेली भोजन वितरण करते हैं, तो हमें पता है कि कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के जो मुखिया लोग होते हैं उनसे हमारी बातचीत होती रहती है। दूसरा हम खुद भी आके सर्वे करते हैं, इतना ही नहीं हम इतनी भी कोशिश करते हैं कि घर में जाके देखना कि भाई क्या, अगर कोई कह रहा है कि हमारे पास ये सामान नहीं है तो हम कई बार रैंडम विजिट करके भी वेरीफाई करते हैं। कंबल की क्वालिटी क्या होने वाली है? देखिए कंबल फ़िलहाल ऐसा है, कंबल क्वालिटी ठीक है, अच्छी है, तभी शायद लोग लेने आए हैं। नहीं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जैसे एक शॉल नहीं होती है, शॉल की तरह कंबल होता है। भेड़चाल वाला काम हम नहीं करते, क्योंकि ऐसे लोग हैं हमारे साथ जो हमें सपोर्ट करते हैं, और जिस तरीके का सपोर्ट हमें मिलता है उसी तरीके का हम आगे जो जरूरतमंद है उनको। अभी आप कंबल लेकर आए होंगे एक आध कोई सैंपल के तौर पर, अगर हमें देख सके? हम दिखा देंगे आपको, जब वितरण होगा तब आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर सबका आधार कार्ड। अच्छा, यहाँ पर कैसे करते हैं आप, आधार कार्ड लेते हैं और क्या क्या? देखिए ऐसा है, जो भी हमें सपोर्ट देता है हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको जितना हो सके फैक्ट उन्हें प्रोवाइड करें, उसके तहत पूरी तरीके से होनी चाहिए कि इंसान ने अगर हमें सपोर्ट किया है, कंबल भिजवाए हैं देने के लिए, तो वो खुद कॉल करके वेरीफाई कर सकते हैं कि उन्हें कंबल मिला या नहीं मिला। तो इसमें हम डिटेल्स जैसे फ़ोन नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया, नाम हो गया, ये सारी डिटेल्स मेंशन करके जिसके द्वारा मदद पहुंचाई गई है उसको हम भेज देते हैं। अच्छा, आपने बताया आप लगभग 2 साल से इन बस्तियों में काम कर रहे हैं, मैंने अभी एक भैया से पूछा तो वो बता नहीं पाए, इन बस्तियों को किस नाम से जानते हैं प्रॉपर क्या? देखिए ये सेक्टर 42 की झुग्गियाँ हैं, ये सेक्टर 42 है नोएडा।
और कितने लोग यहाँ पर टोटल रहते हो? देखिए यहाँ पर कम से कम 200 लोगों की जनसंख्या होगी। अभी ये नई बस्ती बसी है, पहले यहाँ इतना स्लम्स नहीं था, पहले यहाँ गिनती के 50 लोग रहते थे, अब धीरे धीरे स्लम्स बढ़ गए हैं ये। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बातचीत के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं, कतार में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो किया जा रहा है यहाँ पर, और इसके बाद में जब ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी फिर उसके बाद में यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको कंबल वितरित किया जाएगा।